अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरे चैनल फूड ब्लॉगर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चावलों को मज़ेदार चटपटा कैसे बनाना है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे एक बड़ी चम्मच ऑयल, और ऑयल को हमें गरम कर लेना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, एक से दो मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है, और इन दोनों को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इनका फ्लेवर जो है ना वो आ जाएगा। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे एक कटा हुआ आलू, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आलू आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं डालना तो नहीं डाल भी सकते। एक मिनट इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी डाल करके ना हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि इसका कलर चेंज नहीं, सिर्फ इसे सॉफ्ट कर लेना है प्याज को, और गैस का फ्लेम हम मीडियम पर रखकर पकाएंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे एक गाजर लिया है हमने। अगर आपके जो भी मनपसंद सब्ज़ियाँ हैं आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स हो गया, या फिर आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, हरी मटर। उन्हें डाल करके हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और फिर हरी मिर्च डाल करके इसमें एक चम्मच छोटी चम्मच से हम नमक डालेंगे, ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बाकी हम आगे भी नमक ऐड करेंगे। इन्हें डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, और सब्ज़ियों को सॉफ्ट करने के लिए हम इसे ढक करके एक से दो मिनट के लिए पका लेते हैं लो फ्लेम पर। चलिए एक से दो मिनट हो चुकी है और सब्ज़ियाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, देखें, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिख ही रही है सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे दो बारीक कटा हुआ देसी टमाटर। देसी टमाटर की खासियत यह है कि ये खट्टी अच्छी होती है, और इससे जो चावल का जो स्वाद है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो टमाटर डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटी चम्मच नमक, और नमक यहाँ पर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने टमाटर डाला है टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए। तो इसे डाल करके मिक्स कर देंगे, और ढक करके इसे भी एक से दो मिनट के लिए हम पका लेंगे। देसी टमाटर वैसे बहुत जल्दी गल जाती है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही ये हो जाएगी एक बार चला ले अच्छे से, इसको मिक्स कर लीजिए टमाटर को अच्छे से, और अब इसमें जो बचे हुए चावल है ना आप इसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आप जब बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चावल डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला। ये जो मैगी मसाला है ना इससे सारे मसाले इसमें आ जाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं देना है। अगर आप चाहे तो घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, तो मैगी मसाला बेस्ट है चावल के लिए। तो मैंने यहाँ पर मैगी मसाला ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से डाल करके मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेक किया तो इसमें मुझे नमक कम लगा, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हरा धनिया। जब आप मैगी मसाला डाल देना तो आप नमक एक बार टेस्ट कर ले, क्योंकि कभी कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप चेक करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो चावल है बहुत ही आसानी से बन जाती है, और बचे हुए चावल को बहुत आराम से आप इस तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं। तो बस जो चावल है ना वो रेडी हो चुके हैं, हमने एक से दो मिनट इसे भून लिया है हाई फ्लेम पर। जब ये अच्छे से भुना जाए ना तो आप इसको गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म ये हमारी जो बचे हुए चावल से बना करके हमने चटपटा चावल बना दिया है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। फिर मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।